आज जाने की ना बस आज इनकी बस ये सामने देखिए मनोज जी ये बने तो भाई देखो स्टे के लिए देखो कितना बेस्ट ऑप्शन है पूछ लेते हैं भाई बट यहाँ पे डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको और रूम्स की मेरे को बनाने के लिए अलाउड नहीं करा रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे देखिए पीछे काफी सारे रूम्स हैं ये देखिए सामने मंदिर और धर्मशाला है और यहाँ पे चार्जेस क्या रहते हैं अपने रूम्स के डबल बेडरूम होता है हमारा ठीक है सिंपल रूम होता है ठीक है टॉयलेट बाथरूम सब नियर मतलब बाहर होते हैं अटैच नहीं होते हैं ठीक है उसका 30 रुपीज़ लेते हैं 2% का काफी बड़ी धर्मशाला आपको मिल जाएंगे रूम देखिए बड़ी रूम है वाह यार भाई क्या बात है गजब यार 500 रुपए कमरा करेंगे रोहतांग पास से मणि कोकसर गुलाबा गुलाबा से आपको आएंगे नीचे अपना साइड पे अटल टन अटल टन से सोलंग वैली से वापस आ जाएंगे अपना मनाली वन डे टूर रहेगा सर वन डे टूर एक दिन टूर रहेगा इसमें 3000 रुपीज अभी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे। हाजिर फ्रेंड्स आप सभी के लिए नया ब्लॉग लेकर के जैसे कि आपको पता है रिसेंटली मैंने एक जर्नी की है दिल्ली से मनाली की बाय बस कैसा है रोड की कंडीशन मैंने पूरी कवर करी है क्या अभी आना सेफ है कि नहीं है चंडीगढ़ से पूरा रूट दिखाया मैंने आपको जो है स्वार घाट से ऊपर पूरा आया पूरा रूट दिखाया और उसके बाद जहाँ से रोड टूटा हुआ है रायसन से आगे कैसे आप आ सकते हैं क्या वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी है क्या बस सर्विस है वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी है अगर आपने वाली नहीं देखी वीडियो तो वाली ज़रूर देखिएगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मनाली पहुँचने में अगर आप बाय बस आना चाहते हैं। और अभी जैसे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं होटल कुंजम मैंने स्टे किया हुआ था अगर वाली वीडियो मैंने उसमें कवर की होटल कौन सा लिया था कितना मेरे को टैरिफ पड़ा था वो सारी वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी देख सकते हैं दिन के बस रहे हैं 3 और अभी मैं खड़ा हूँ मॉल रोड पे मॉल रोड पे अभी कुछ ज़्यादा भीड़ तो नहीं है फिलहाल अभी टूरिज्म आना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे। जो मेन जो रोड की कंडीशन ख़राब है वो मनाली से अपना रायसेन जो 35 किलोमीटर का पूरा पैच है इसमें आपको कम से कम 7 से 8 पैच मिलेंगे जहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है तो और मनाली से अगर ऊपर जाएंगे सिसु अटल टनल रोहतांग पास ये खुला हुआ है यहाँ से आप जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत चहल पहल स्टार्ट हो गई है दिन में क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जून और जुलाई में जो त्रासदी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे मनाली काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अपना बस स्टैंड है यहाँ से भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये सामने इंक्वायरी काउंटर है यहाँ से मैं पूछता हूँ अभी किलोंग के लिए बसेज हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली अगर आपको किलोंग जाना है सिसु जाना है अटल टनल जाना है तो ये वाला रूट आपका खुला हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं ऊपर साइड पे। ये देखिए किलोंग की बस भी यहाँ पे खड़ी हुई है देखिए ये बस किलोंग अगर आपको जाना तो किलोंग जा सकते हैं। ये देखिए सारी बसेस खड़ी हुई यहाँ पे और अभी जो है कसौल अगर आप जाना चाहते हैं कसौल भी बस की सर्विस अवेलेबल नहीं है कसौल के लिए भी आपको बुंतर जाना पड़ेगा बुंतर से छोटी टैक्सी वगैरह जा रही है जो कसौल तक आपको लेके जाएंगी। मॉल रोड पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगा यहाँ से मैं प्राइस वगैरह पूछ लेता अभी क्या चल रहे हैं। फ्रेंड्स अभी मैं ऑफिस में खड़ा हूँ यहाँ पे ऑफिस में सर से मैंने प्राइस पता कर लिया और यहाँ पे प्राइस भी बता रहे 3000 रुपीज चल रहे हैं जहाँ पे आपको सोलंग वैली जिसमें आपको रूट कवर करेंगे रोहतांग पास से मणि कोकसर गुलाबा से आपको आएंगे नीचे अपना साइड पे अटल टन से सोलंग वैली से वापस आ जाएंगे अपना मनाली वन डे टूर रहेगा सर वन डे टूर एक दिन टूर रहेगा इसमें 3000 रुपीज अभी चल रहा है 7 तारीख की डेट है अभी 7 अगस्त की इसमें आपको सर अभी प्राइस कम चल रहा है ना क्योंकि टूरिज्म कम है इसकी वजह से प्राइस कम है। अभी जैसे टूरिज्म बढ़ जाएगा सितंबर अक्टूबर उस टाइम पे प्राइस ज्यादा रहते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं अगर आप प्लानिंग करो अगस्त में आने के लिए तो यहाँ पे आ सकते हैं मॉल रोड के पास ही आपका टैक्सी यूनियन मिल जाएगी यहाँ पे आके बुक करा सकते हैं नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा कुछ बुकलेट है जैसे भी आप फैमिली के साथ आने बड़े ये छोटी टैक्सी क्या है 4% छोटी 4 सीटर गाड़ी है ना सर ऑल्टो के बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच सर आपने मेरे व्यूवर्स को गाइड किया धन्यवाद सर। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं आइए अब आगे मूव करते हैं आपको होटल्स वगैरह के प्राइस कुछ बता देता हूँ आपके लिए बेनिफिट है अगर आप आ रहे हैं अगस्त में 15 अगस्त के आसपास 20-25 के आसपास तो आपको टैक्सी सस्ती मिल जाएगी भाई ये बेनिफिट है वरना तो यहाँ पे रोहतांग पास घूमने के मेरे हिसाब से 5,000 रुपये ले लेते हैं सीजन में जब मैं आया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले तो यहाँ पे 5,000 रुपये चल रहे थे यहाँ को 3,000 रुपये में घुमा देंगे सारी जगह और क्या लोगे भाई इससे सस्ता और क्या लोगे अभी घूमने आप आ रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पे टैक्सी के फेयर। वहाँ का एड्रेस है हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर ये नंबर देख सकते हैं आप कुछ इनके ये प्राइजेज भी हैं प्राइजेज भी आप देख सकते हैं ये ऑफ सीजन वरी करते रहते हैं। बाकी जितने भी मनाली की मेरी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना मेरी लेटेस्ट वीडियो भी वहीं पे आपको मिलेगी। यहाँ से शुरुआत होती है अपने मॉल रोड की मॉल रोड के पास आपको होटल याक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं होटल याक में आ रहा हूँ जो बिल्कुल मनाली मॉल रोड के फ्रंट पे सबसे पहला होटल पड़ता है यहाँ पे मैंने कवर भी किया था आपको पता होगा मेरी पुरानी वीडियोज में तो यहाँ पे भी 2% के लिए 2 कैपेंसी आते हैं 2% आते हैं 2 गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे 1000 से 1200 रुपए का रेट चल रहा है
चार लोग आते हैं फैमिली, तो यहाँ पे चल रहा है 1500 रुपए, तो ये भी कम रेट है। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, मैं होटल आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये बिल्कुल फर्स्ट होटल है, ये होटल याक, यहाँ मैंने स्टे भी करा, यहाँ पे मैंने पहले कवर भी किया हुआ है। यहाँ पे शॉप आपको मिल जाएगी ये वुलन वगैरह की, तो मैंने यहाँ से जो है एक अपना ये ले लिया है, यहाँ से मैंने दो चीज़ ले लिए, एक तो अपने ये कान के लिए ले लिया और एक ये कैप ले ली मैंने, दो चीज़ें। ये पड़ा है मेरे को 100 रुपीज़ का और ये पड़ा 150 का। इस टाइम पे कितना भरा भरा रहता था, अभी फ्लड के बाद कितना खाली, अभी आप आएंगे तो दोबारा भर जाएगा। देखिए वाइन शॉप भी यहाँ पे अवेलेबल है, बताइए क्या खाली पड़ा हुआ यार यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी भैया से बात हुई है, भैया के होटल का नाम है होटल किलिंगा, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। उसमो व्यू जो आपको दिखाया था अपना होटल याक के पास, ये भैया ने क्या रेट बताया भैया, क्या चल रहा है? 500 रुपीज। रूम एक बार दिखा सकते हैं, एक बार दिखाया था भाई क्या चल। ये अपना रिसेप्शन एरिया है, चलते हैं एक बारी रूम है। वाह यार भाई क्या बात है, गजब यार, 500 रुपये कमरा, 500 रुपये। ओ बहुत बढ़िया, गजब है। वॉशरूम दिखाता हूँ आपको मैं, अलमीरा है, वॉशरूम ये मिल जाएगा आपको, गीजर वगैरह लगे हुए। सही रूम है भाई, नंबर दे दूंगा आपको स्क्रीन पे, वैसे मैंने पहले कभी कवर नहीं करा होटल, ये आ सकते हैं। रूम नंबर अपना 106, 106 में दिखाता हूँ आपको वाला, ये देखिए ये भी है, रूम मिल जाएगा आपको, कर्टन्स वगैरह लगे हुए, अलमीरा, टीवी भी सारा सेटअप है बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ पे भी आपको वही वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, नीट एंड क्लीन भाई, बढ़िया है भाई, आ सकते हैं। इस वाले रूम में भी आप रुक सकते हैं अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है, जैसे अपना चैनल लो बजट जर्नी का वैसे ही लो बजट में आपको दिखा रहा हूँ मैं। बाकी और भी होटल्स में जाएंगे तो यही 500-1000 रुपए के बीच में आपको रूम पड़ने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ चुका हूँ होटल डायमंड में, एज यूजुअल जहाँ पे मैं स्टे करता था, यहाँ पे लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे भी प्राइस कम चल रहे हैं होटल डायमंड में। यहाँ पे होटल डायमंड में आ चुका हूँ, यहाँ पे भी काम भी चल रहा है, क्योंकि अभी चलते हैं ऊपर। अभी सारे रूम आपको अवेलेबल रहेंगे, रूम नंबर 30, रूम नंबर 31 दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रूम आपको मिल जाएंगे, सेटअप सारा लगा हुआ है इसके अंदर, सारी चीजें, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है। इस वाले के प्राइस अभी चल रहे हैं 500 से 1000 रुपए के बीच में आएंगे, तो आराम से 600-700 रुपए आराम से इजीली मिल जाएगा, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, सेम प्राइस नहीं रहते, ये मत बोल नहीं 500 का तो 500 का ही दो। 303 नंबर था जो मैंने कवर करा है, और ये रूम नंबर है 302 में भी आपको सेटअप अच्छा मिल जाएगा, ये 2 पर्सन के लिए, फैमिली के लिए भी कवर कर लेता हूँ अभी। ये देखिए बढ़िया आपको मिल जाएगा नीट एंड क्लीन, रिसेप्शन डेस्क के पास में आपको रूम नंबर मिल जाएगा, ये फैमिली के लिए रूम नंबर 103 नीचे है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, शीशा लगा हुआ है, एक बेडिंग ये है, 3 से 4 बंदे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, 3 बंदों के लिए 4 आराम से आ जाएंगे भाई मेरे हिसाब से, तो स्पेस काफी है। ये वॉशरूम मिल जाएगा आपको नीट एंड क्लीन, गीजर लगा हुआ है, एक शीशा भी यहाँ पे वॉश बेसिन के साथ लगा हुआ है। और फ्रेंड सीजन टाइम पे इसी का प्राइस आता है आपका 2500, 3000, 4000, 5000, बट इस टाइम पे ऑफ सीजन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए तक मिल जाएगा, 800 से 1000 रुपए के बीच में। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे धर्मशाला भी है, वो मैं कवर कर लेता हूँ आपके लिए, मैंने पहले कवर नहीं करी थी, मैंने देखा हुआ था यहाँ पे स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप के पास में सामने अपना मनाली का बस स्टैंड है, रोडवेज बस स्टैंड ये सामने, उससे नीचे उतर के सीढ़ी से आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा सामने आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा कैफे कॉफी ड्रिप्स, इसके बीच में गली जा रही है ये, यहाँ से आपको अंदर जाना है, ये सामने स्वीट शॉप है, इसका नाम है अपना मनाली स्वीट शॉप, यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा है टेस्ट में। देखिए सामने मंदिर और धर्मशाला है, ये वाली यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, पूछ लेते हैं एक बार चल के भी अंदर। यहाँ पे अभी मैं अंदर आ चुका हूँ धर्मशाला में, यहाँ पे आपको रूम्स नॉर्मल अवेलेबल मिलेंगे, यहाँ पे क्या प्राइस है, क्या टाइमिंग्स रहती है, सीजन और ऑफ सीजन क्या रहते हैं यहाँ पे, सारा आपके लिए कवर करूंगा। आपको बताते हैं एक बार क्या प्राइस है। सर नमस्ते, कैसे सर? बढ़िया जी। नाम क्या आपका सर? राजू सर। सर मेरे को बताएंगे मेरे जो व्यूवर्स अगर आना चाहे धर्मशाला में तो कैसे यहाँ पे बुकिंग का रहता है? बुकिंग का सर यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह बुकिंग नहीं रहती है, ठीक है, ऑफलाइन ही रहती है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि रूम्स अवेलेबल होंगे तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा वेट करके मिल जाता है, वेट करना है सीजन में ना, सीजन में ऑफ सीजन तो ऐसे भी मतलब टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। अच्छा ठीक है, रात को रूम वगैरह नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं, ठीक है, हमारे गेट की टाइमिंग 10 बजे होती है, 10 बजे होती है। और यहाँ पे चार्जेस क्या रहते हैं अपने रूम्स के? डबल बेडरूम होता है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूम होता है, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम सब नियर मतलब बाहर होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, उसका 30 रुपीज लेते हैं 2 पर्सन का, 2 पर्सन का 30 रुपीज, और 4 बंदे या फैमिली आते उस हिसाब से आगे बढ़ जाता है, जैसे 40-50 रुपए 60 रुपए नहीं होता, मतलब 80 रुपए से ज्यादा नहीं, 80 रुपए से ऊपर नहीं आता, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप धर्मशाला में आना चाहते तो यहाँ पे आ सकते हैं, राजू सर ने मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं, एक दो रूम देख सकते हो अवेलेबल होंगे तो हर रूम देख लो सामने, ठीक ठीक है, देखो 8 नंबर 8 नंबर ना, ठीक है, ऐसे ही रूम होते हैं मतलब, ठीक ठीक सभी ऐसे रूम, ठीक है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको सर ने मेरे को अलाउ भी करें, मैं आपको रूम दिखाता हूँ, आइडिया मिल जाएगा। नंबर रूम जो आपको देखिए इस टाइप के रूम है, नॉर्मल यहाँ पे 2 बेड्स लगे हुए, एक ये देखिए, ये यहाँ पे एक बंदे के लिए एक ये यहाँ पे खाली आपको मिल जाएगा स्पेस, कुछ लग्जरी नहीं है, आप आराम से रुक सकते हैं यहाँ पे 30-40 रुपए आपको मनाली जैसे एक टाउन में मिल रहा है, यहाँ पे हिल स्टेशन में मिल रहा है कुछ, तो और क्या चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल होती है ये, समाज सेवा करने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो सारे रूम इसी टाइप के आपको मिलेंगे यहाँ पे।
तो बाहर चलते हैं। आपको काफी बड़ी धर्मशाला आपको मिल जाएंगे। अब रूम देखिए बढ़िया। यहाँ पे मेरे को सर ने बताया कि यहाँ पे आपको जो ज्यादातर क्राउड रहता है वो मई जून जब यहाँ पे सीजन रहता है, हॉलीडेज रहते हैं बच्चों के, तब आपको मिलने वाला है। दिसंबर में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, नवंबर में भी, अक्टूबर में भी, तो इस टाइम पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और रात में अलाउड नहीं है, दिन में आना पड़ेगा, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। तो कैसा लगा वाला ऑप्शन आपको स्टे का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अली स्वीट शॉप भाई बहुत बेस्ट है, मैंने खाना पीना खाया स्वीट शॉप एंड बेकर्स, यहाँ पे आप खा सकते हैं, यहाँ पे बैठ करके सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। फ्रेंड्स पेस्ट्री भी मिल जाएगा, पिज्जा कुछ इस टाइप का, ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको, सेटिंग अरेंजमेंट आपको अवेलेबल मिलेगा, बैठ के खा पी सकते हैं। सी काफ़ी बड़ा स्पेस है और यहाँ पे भी देखिए स्पेस है, ये देख सकते हैं भाई एक कैचअप मिल गया, 40 रुपीज़ का बर्गर अपना, 20 रुपीज़ की है। फ्रेंड्स यहाँ से बर्गर एक मिरिंडा पी लिया है, बाकी चल भाई वापिस आ चुके अपने मॉल रोड पे। अब यहाँ से क्या कवर करना रह गया पीछे इस साइड पे, तो मैंने कवर कर लिया आपके लिए। यहाँ पे ओल्ड मनाली है, ओल्ड मनाली भी आप जा सकते हैं, ओल्ड मनाली में स्टे के काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बता दो मॉर्निंग में हल्का खाना ही खाएंगे तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, रीजनेबल खाना है। और दिन में तो आपको पता है दिन में आप बाहर रहेंगे तो बाहर आप देख सकते हैं कुछ भी मैगी या जो भी चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा पहाड़ों पे खाने का। थर्ड ऑप्शन आपको रात में मिलता है, रात में जो भी आपको ऑप्शन वेज नॉन वेज खाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ढाबे होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर मोस्टली जो होता है घूमने के बाद रात को खाना खाते हैं अच्छे वाला, जो बढ़िया लग्जरी खाना होता है, तो वो आप देख सकते हैं। दिन में तो क्या ही खाएंगे, दिन में बाहर रहेंगे, मॉर्निंग में ये सब कुछ पराठे वराठे खा के आप काम चला सकते हैं अपना। फ्रेंड्स ऐसा टूरिज्म आ रखा है, देखिए फॉरेन से काफ़ी टूरिज्म आ रखा है यहाँ पे इस टाइम पे। सामने ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड से आप ऑटो से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लोकल साइट सीन अगर करना है आपको तो। फ्रेंड्स यहाँ से भी आप ऑटो से घूम सकते हैं, लोकल साइट सीन करना है आपको तो यहाँ पे भी 1000 रुपये भैया ने मेरे को रेट बताए हैं। बाकी आप टैक्सी से भी कर सकते हैं, टैक्सी का भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे यूनियन टैक्सी है, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। बाकी बाइक ऑन रेंट लेके भी घूम सकते हैं, काफी सारी बाइक्स आपको स्कूटी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी रेंट में, मिलती है सारी ये ब्लैक ये वाली प्लेट्स वाली, तो इनसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मेरा तो बड़ा मन है इस पर एक्सप्लोर करने का भाई, लद्दाख सीरीज बनाने का भाई, अभी तो पॉसिबल नहीं है। खैर ये देखिए क्या कलर्स हैं यार। और यहाँ पे बाइक और स्कूटी के रेंट जो स्टार्ट हो जाते हैं 500 रुपये से हो जाते हैं, जो भी आप बाइक ले रहे हो सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, 800, 1000, 1200, 1500, 2000। तो यहाँ पे आएंगे तो आप पता कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आती है न्यू बाइक लेना, नए मॉडल वाली, पुरानी मत ले लेना, पुरानी में दिक्कत होती है कई बार, और उनकी वीडियोज़ वगैरह बना लेना, कोई स्क्रैच वगैरह ना हो पहले से। और यहाँ पे मेरे को बताया अभी यहाँ से किलोंग तो चले जाओ, किलोंग से आगे स्पीति मेरे को जाना था, तो स्पीति मैं नहीं जा पाऊंगा। बताया कि भाई किलोंग से स्पीति की जो बसेस की सर्विस है रोक दी गई है, अभी नहीं जा रही है, तो बेकार में फंस जाऊंगा जाकर के, मैं भी नहीं जाने वाला। मेरा सच में मन था कि मैं स्पीति निकलूं, बट नेक्स्ट टाइम करेंगे जर्नी, या फिर मैं शिमला वाली साइड से निकलूंगा अपने स्पीति के लिए। स्टार्ट होता है यहाँ से मॉल रोड की शुरुआत, जहाँ तक होटल याक है, तो यहाँ पे भी आपका एक मोनेस्ट्री बनी है, मोनेस्ट्री के पास लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको कम से कम पैसे में स्टे मिल जाता है। उसके सामने आपको मोनेस्ट्री का ये रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से जब आएंगे मॉल रोड से तो मोनेस्ट्री मिलेगी यहाँ पे, सुना है मैंने यहाँ पे कुछ स्टे का ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स सी, बाकी सामने से निकल के आएंगे पीछे पीछे से, यहाँ से इसका एंट्रेंस मिल जाएगा मोनेस्ट्री का, ये होटल आपको हर जगह मिल जाएंगे। बाकी ये मोनेस्ट्री का वे है, ये यहाँ से ये देखिए यहाँ पे स्टे के लिए भाई कुछ ऑप्शन बने तो हैं, पूछते हैं यही वो स्टे हैं क्या है। ये सामने देखिए मोनेस्ट्री ये बने तो हैं भाई, देखो स्टे के लिए देखो कितना बेस्ट ऑप्शन है, पूछ लेते हैं इंक्वायरी। ये सामने ऑफिस भी बना हुआ देखिए, बट यहाँ पे डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। और रूम्स की मेरे को बनाने के लिए अलाउड नहीं करा, रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, देखिए पीछे काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो इसका एक दो बंदों के 500 रुपये और दो चार बंदों के 1000 रुपये, तो यहाँ पे बस स्टे कर सकते, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं ली जाते, बताया मेरे को भैया ने कि यहाँ पे ओवर प्राइस नहीं करते, जो रहता है कम ही रहता है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। डॉर्मेट्री की जो आपको स्क्रीन पे दे दूंगा किस टाइप की डॉर्मेट्री है, और यहाँ पे मेरे को बताया कि सिंगल पर्सन के लिए नहीं देते हैं, सिंगल पर्सन अगर आप आएंगे जैसे मैं आया हूँ, सोलो मेरे को नहीं देंगे, अगर आप ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं आराम से। और फ्रेंड्स यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप सबके लिए कवर कर लिया, और मैं भी एक्सप्लोर करने सोलंग वैली या सिसु वगैरह नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज्म है नहीं, तो मैं क्या करूँगा अकेला जाकर के वहाँ पे। तो अगर आप अपकमिंग डेज में प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपने होटल जाता हूँ कुंजम होटल, और वहाँ से अपना बैग उठाता हूँ, फिर मैं मूव करूँगा अपना दिल्ली की तरफ। बस की टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करा लिया रेड बस से, तो अभी यहाँ से मेरे को रायसेन जाना पड़ेगा, रायसेन में कैसे पहुँच सकता हूँ वो भी आपको अपडेट करूँगा, कितना टाइम लगता है रायसेन पहुँचने में। और कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगा आपको रिलेटेड टू मनाली ट्रिप के लिए, मनाली वेकेशन प्लान के लिए। यहाँ अपने होटल से बाहर आ चुके हैं, अभी यहाँ से मूव करेंगे अपना। फ्रेंड्स अगर आप पतले पुल जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको बस की फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी, देख सकते हैं ये वाली बस मेरे को मिल गई है, ये अपना रायसेन भी जाएगी जहाँ से मेरी बस है, और अपना पतले पुल होते हुए जाएगी, देखिए ऊपर लिखे मनाली कुल्लू मंडी बुंतर रोड पर अंदर।
भाई बस तो फुल हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स अब इसी बस में मूव करने वाले अपना जहाँ पे बस स्टैंड है, जहाँ से हमारी बस जाने वाली दिल्ली रायसेन तक, और 5:40 का टाइम हो रहा है। बाकी ये नगर होते हुए नहीं जाएगी, जो दूसरा रूट है ये अपना जहाँ से मैं आया था उसी रूट से जाएगी, जहाँ से डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ से वन वे कट है, उस साइड पे रोड टूटा हुआ पूरा। रोड गायब हो रखा है, देखो वन वे है यहाँ से, पहले ट्रैफिक रोक रहे फिर वहां से भेज रहे हैं ऐसे करके। सामने गाड़ी देखो, अरे वॉल्वो जो है मर्सिडीज की बस, सब खत्म हो गई यहाँ पे। ये वाला देखिए पैच फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल पास से बिल्कुल ब्यास रिवर जा रही है। अच्छा बहुत थोड़ा है, नहीं थोड़ा। अच्छा अच्छा नहीं, इसको देख रहे थे बहुत स्मूथ ना, आपको बॉस ने बोला बोला उसको नाली वाली डाल दो जी, ऐसा बोला। यहाँ पे अभी वेट करने के लिए बोला है कि वेट करो, ट्रैफिक लग गया है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप निकलना अपनी बस लेने के लिए मनाली से, अगर आप वापस रायसेन की तरफ जाते हैं तो टाइम से निकलना, आधा एक घंटा पहले पहुँच जाओ तो ना ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ऐसी ट्रैफिक में फंस गए तो आपकी बस निकल जाएगी, पैसे भी जाएंगे और बस भी जाएगी, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना। और बस ने मेरे से 60 रुपीज़ लिए, 60 रुपये रायसेन तक के लिए। पतली पुल से जब मैं आया था वहाँ से 200 रुपये लेते शेयरिंग कैब ने, बट यहाँ से मेरे को 60 रुपये में पहुँचेंगे अपना रायसेन, बजट फ्रेंडली है। तो बनने में यार अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बट क्योंकि यहाँ पे सिंगल रोड है वन वे, सड़क के बीच ही बना दिया ना, नदी के बीच ही बना दिया, नदी होती थी यहाँ तक तो भाई। मैं तो सारा पहले नहीं बना, वीडियो बना रहे हो करते हैं।
यहीं से हमारी बस है। ये फ्रेंड बस अपनी चलेगी वहाँ पे। ये देखो पार्किंग के पीछे पूरी सारी वॉल्वो खड़ी हुई है, पीछे भी काफी सारी वॉल्वो खड़ी हुई है, तो यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा रायसेन में भी। बज रहे 7:15 और 8:30 हमारी बस है। तो होप मैंने जो प्लान किया था मैं जल्दी आ गया, मैं सोच रहा था एक घंटा पहले आ जाऊंगा तो बिल्कुल वैसा हुआ अगर मैं फंस जाता वहाँ पे। एक और बात बता दूँ आपको, 8:00 के बाद यहाँ पे रूट चलता नहीं है, रूट क्लोज हो जाता है अपना मनाली से रायसेन के लिए, इस वाले रूट से अगर आप आएंगे जिससे मैं आया हूँ। अदरवाइज 8:00 के बाद आपको दूसरे रूट से आना पड़ेगा, वो नग्गर वाला रूट है। नग्गर किसे पूछेंगे तो मनाली से वो नग्गर होता है, वो आपको लेके रायसेन आएगा। अदरवाइज ये छोटा रास्ता है, वहाँ से ट्रक चलते हैं हैवी ट्रक, क्योंकि यहाँ से हैवी ट्रक जाने का अलाउड नहीं है, वहाँ से हैवी ट्रक आना जाना चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। ये डेल्टिन ट्रैवल जिससे मैं लास्ट टाइम आया था, ये जिंग बस है, लियो वहाँ पे खड़ी हो। आपको अपनी बस भी दिखाते हैं एक बारी, ये अपनी नई लवेली लक्ष्मी हॉलीडेज की बस है 9600। इसमें मैं पहली बारी बैठूंगा, इससे पहले नहीं बैठा मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा। वॉल्वो 9600 मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये देखिए बढ़िया। इसमें ऑलरेडी ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगे हैं स्टार्टिंग में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल लग्जरी बस है भाई, सुपर लग्जरी, देखिए बिल्कुल प्रीमियम। ओए होए क्या भाई, यहाँ पे तो अभी बढ़िया एक नंबर हो रखे, देखो पूरे कवर लगा रखे। और यहाँ पे आपको थायरस मिल जाएगा, वाटर बॉटल स्टैंड यहाँ पे मिलेगा, मैगजीन यहाँ पे आपको हैंगिंग मिल जाएगा, और नीट एंड क्लीन बिल्कुल मिरर हो रखे यहाँ पे, कर्टन्स वगैरह बिल्कुल लगाए मैं तरीके से, और ब्लोवर मिल जाएंगे आपको देख सकते हैं, और रीडिंग लैंप यहाँ पे अभी तो ऑन नहीं है फिलहाल देखिए। और ऊपर सामान रखने के लिए आपको छोटा मोटा लगेज रखने के लिए ऊपर स्पेस मिल जाएगा दोनों साइड पे, और ब्लैंकेट मिल जाएगा हर एक सीट पे, सबको एक एक ब्लैंकेट मिलेगा। बुक कर सकते हैं रेड बस से। मैंने इसका फेयर मेरे हिसाब से कुछ 550-600 कुछ पड़ा है मेरे को, मैंने अभी कराया था 2-3 घंटे पहले कराई थी। तो जब भी आप जाएं तो ऐसे टाइम से आ जाइए, ये वाली बस बुक करा सकते हैं, 9600 है। और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको रेड बस पे देख सकते हैं, तो मेरे को इसका प्राइस कम पड़ा था पीछे वाली सीट का, क्योंकि मेरे को व्लॉग तो बनाना नहीं है, आराम से जाना है दिल्ली, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए बनाऊंगा। मिल जाएगा यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, पुश बैक सीट है, और यहाँ से आप पुश करेंगे इसको तो रेक्लाइनिंग सीट है, पीछे बैक हो जाती है सीट पे। अब ये बिल्कुल ये ऐसे करके खुल जाते हैं, आप यहाँ पे लेग स्पेस आपका हो जाएगा। ये वाली सीट हमारी होने वाली है, यहाँ पे बैठूंगा बिल्कुल लास्ट में, आराम से सोते हुए जाएंगे बिंदास। आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।